मैं नितिन तिवारी, शिवसेना शहर अध्यक्ष। आज हम शिवसेना के वर्करों के साथ आज हम मानेवाड़ा के दहन घाट पर आए हुए हैं, शमशान घाट मानेवाड़ा। आप यहाँ पे जलती हुई लाशों का मंजर देखेंगे। ये लगभग लाशें इसमें कोरोना पेशेंट की है, जो कोरोना के कारण मृत्यु का घास बने हुए लोग हैं, उनकी लाशें जल रही है। ये मंजर देखकर रूह कांप रही है। ऐसे में नागपुर महानगर पालिका इन कोरोना पेशेंटों के लिए 2533 रुपए की लकड़ी प्रोवाइड कर रही है। मतलब जो लोग कोरोना से देहांत हो रहे हैं, जिनकी मृत्यु कोरोना के कारण हो रही है, उनको भी बिना लकड़ी के पैसे लिए हुए अंत्येष्टि संस्कारों के लिए, दाह संस्कारों के लिए लकड़ियों के पैसे लेकर ही लाश जलाने को दिया जा रहा है। लाशें ग्राउंड पे जलाई जा रही है, शमशानों में जगह नहीं बची। इतनी भयावह स्थिति में नागपुर महानगर पालिका का दिल नहीं पसीज रहा है। और उसके बाद भी इन कोविड पेशेंटों के लिए, देखिए कोविड पेशेंट की वहां पे आत्मदेह पड़ा हुआ है, इसके लिए भी लकड़ियां। और इस लकड़ियों के लिए नागपुर महानगर पालिका को शमशान घाटों पर 2533 रुपए लिए जा रहे हैं। हमारे साथ दाहगड़े जी, इनके परिवार का सदस्य जो कि कोरोना से मृत्यु का ग्रास बना, उनकी जबानी आप सुनिए कि उन्होंने लकड़ी का पैसा पे किया है। हाँ, मैं तुषार ढोबड़े बोल रहा हूँ। ये हमारे ससुर है देवराव जी घरजाड़े, उनके दाह संस्कार के लिए हमसे हमारे साथ 2530 रुपए लिए गए। ये 2530 रुपए नागपुर महानगर पालिका के महापौर साहब से आपका करबद्ध निवेदन है, नागपुर म्यूनिसपालिटी कमिश्नर से करबद्ध निवेदन है, स्थायी समिति अध्यक्ष से करबद्ध निवेदन है, सत्ताधारियों से करबद्ध निवेदन है, माननीय पालक मंत्री साहब से भी करबद्ध निवेदन है। कल के कल नागपुर महानगर पालिका में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक बुलाई जाए और नागपुर के जिन घाटों पर कोरोना को दाह संस्कार करने के लकड़ियों के 2533 रुपए लिए जा रहे हैं, वो तुरंत कोरोना पेशेंटों के लिए माफ किए जाए। ये देखिए लाशों का मंजर, ये पूरा दहन घाट, पूरा दहन घाट लाशों से भरा हुआ है। लेकिन नागपुर महानगर पालिका को रहम नहीं आ रही, जनता में जागरूकता फैलाने का एक प्रयास। कृपया नागपुर महानगर पालिका की वो प्रत्येक नेता और आला अधिकारी ध्यान दे। जय हिंद।